फिर से आकर दाऊद प्रार्थना करने से परमेश्वर बार बार तुम क्यों आ रहे हो मेरे पास कहा क्या कहा क्या यदि कोई एक बार हमारे पास सहायता के लिए आने से हम करेंगे दूसरी बार भी आने से हम सहायता करेंगे बार बार आने से हम परेशान होंगे कि नहीं गुस्सा होंगे कि नहीं उस गुस्से को हम सीधे प्रकट ना भी करें आंखों के द्वारा या माथे के द्वारा मुंह के द्वारा या मुंह छिपाने के द्वारा मुँह मोड़ लेने के द्वारा हो तरह तरह के अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं यदि पसंद नहीं हो तो अलग से दिखता है क्यों बार बार यहां आते हो बार बार कौन करेगा सहायता क्यों हमेशा हमारे पास आना समझ में आ रहा है प्रियो आप अपने जन्म से लेकर अभी तक परमेश्वर के पास कितनी बार गए मैं नहीं जानता लेकिन हजारों बार मैं अपने प्रभु के पास गया आज के दिन तक प्रभु एक बार भी क्यों बार बार आ रहे हो एक बार भी मेरा प्रभु नहीं कहा प्रभु के पास जाने के लिए हम परेशान हो जाएंगे लेकिन हमें अपनाने के लिए हमारा प्रभु कभी भी परेशान नहीं होंगे कितना अद्भुत परमेश्वर है जब ऐसा अद्भुत परमेश्वर हमारा परमेश्वर है तो वरदान देने वाला परमेश्वर हमारे पास है वरदान मांगने के लिए हम परेशान हो रहे हैं तो इसका कोई अर्थ है क्या कितने दुख की बात है दाऊद फिर परमेश्वर के पास गया फिर क्या हुआ देखेंगे आइए तेईस का पांच इसलिए दाऊद अपने जनों को लेकर किला को गया और पलस्तियों से लड़कर उनके पशुओं को हाक लाया और उन्हें बड़ी मार से मारा यो दाऊद ने किला के निवासियों को बचाया बड़ी मार से मारा इसका अर्थ जानते हैं पूरी रीति से परमेश्वर मेरे और आपके संग रहने से विजय देंगे और उस विजय को पूरी रीति से देंगे संपूर्ण रूप से देंगे आज हम में से कितने लोगों को आपके शत्रु के ऊपर या समस्याओं के ऊपर पूरी रीति से विजय चाहिए थर्टी परसेंट चाहिए या सेवेंटी परसेंट विजय चाहिए बताइए या हंड्रेड परसेंट चाहिए कितना परसेंट चाहेंगे जोर से बताएंगे आकाश की ओर अपनी आंखें उठाकर हंड्रेड परसेंट कहिए किससे कहेंगे आप कहिए परमेश्वर से कहिए आकाश की ओर अपनी आंखें उठाकर प्रभु हंड्रेड परसेंट शत्रुओं के ऊपर विजय चाहिए बोले बाइबल में क्या जानते हैं परमेश्वर की सहायता से जब दाऊद गया संपूर्ण रूप से शत्रुओं के ऊपर परमेश्वर विजय दिलाए कारण जानते हैं दाऊद बार बार परमेश्वर के सम्मुख गया आज आप बार बार परमेश्वर के सम्मुख जाकर प्रार्थना करने वाले हैं तो आपके शत्रुओं के ऊपर मेरा परमेश्वर संपूर्ण विजय को देने जा रहे हैं कष्ट में पड़े हुए किला नगर के लोगों की सहायता करने के लिए दाऊद जान की बाजी लगाकर उन्हें विजय प्रदान करके अच्छा हुआ शत्रु हार गया है परमेश्वर विजय प्रदान किए हैं ये सोचकर वो सांस ले रहा था कि नहीं इस बीच एक और समाचार मिला दाऊद दाऊद क्यों इतनी तेजी से आ रहे हो फिर से पलस्ती लोग आ रहे हैं क्या पलस्ती नहीं फिर कौन आ रहे हैं तुझे मारने के लिए शौल आ रहा है फिर शुरू हो गया क्या शुरू हो गया आइए देखें छठवां वचन जब अहिमेलेख का पुत्र एबियातार दाऊद के पास किला को भाग गया था तब हाथ में एपोद लिए हुए गया था तब शाउल को यह समाचार मिला कि दाऊद किला को गया है और शाउल ने कहा परमेश्वर ने उसे मेरे हाथ में कर दिया है वह तो फाटक और बेड़े वाले नगर में घुसकर बंद हो गया तब शाउल ने अपनी सारी सेना को लड़ाई के लिए बुलवाया कि किला को जाकर दाऊद और उसके जनों को घेर ले तब दाऊद ने जान लिया कि शौल मेरी हानि की युक्ति करता है इसलिए उसने अभियातार याजक से कहा या को निकट लिया वो विजय पाया कि नहीं उस विजय को अनुभव करने का समय जैसे ही आया एक और समाचार आया क्या है जानते हैं एक अभिषेक किया गया व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा चुना गया व्यक्ति देश पर शासन करने वाला अगुआ दाऊद को मारना है सोचकर उसके विरोध में आने वाला है ऐसे समाचार को दाऊद को सुनना पड़ा पलिस्ती दुष्ट हैं परमेश्वर के विरोध में जीने वाले हैं उनमें परमेश्वर की भय और भक्ति नहीं है वे अन्याय से जीने के आदि हो चुके हैं और पाप करने में वे माहिर हैं किला नगर के लोग अपने फसल को अनाज को अपने खलियानों में इकट्ठा करके रखे थे उन्हें अन्याय से लूटने वाले दुष्ट हैं वे बुरे थे दुष्ट थे इसलिए वे ऐसे जी रहे हैं ठीक है लेकिन शौल परमेश्वर के द्वारा चुना गया है राजा के रूप में अभिषेक किया गया है परमेश्वर के नाम से शासन कर रहा है ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के चुने गए दाऊद के ऊपर बुरी नजर डालकर ईर्ष्या के साथ दाऊद को मारने के लिए निकल पड़ा आत्मिक जीवन में प्रिय भाई और बहनों कृपया हमें इस विषय को ध्यान से देखना है शैतान जो हमारा शत्रु है हमें फंसाने की कोशिश में हमें हुलजन में गिराने की कोशिश में नष्ट करने की कोशिश में कष्टों में डालने की कोशिश में हमें आंसू देने की कोशिश में दो लोगों का उपयोग करता है एक है घर के बाहर के लोग यही हुआ यहां पलिस्तियों को उपयोग किया पलिस्तियों से दाऊद विजय प्राप्त करने के बाद अभी शैतान किसका उपयोग कर रहा है जानते हैं घर के व्यक्ति को उपयोग कर रहा है जराइली लोगों पर शासन करने वाले अगवे को इस्तेमाल कर रहा है उनके व्यक्ति कोई उपयोग कर रहा है परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किए गए व्यक्ति को इस्तेमाल कर रहा है किसके विरोध में दाऊद के विरोध में क्या करने के लिए दाऊद को मार डालने के लिए दाऊद क्या करके आ रहा है लोगों की रक्षा करके आ रहा है लोगों को बचा के आ रहा है शत्रुओं के हाथों से किला नगर के लोगों को और जो उन्होंने कमाया था रक्षा करके आ रहा है परमेश्वर की इच्छा करते हुए लोगों का भला करते हुए आ रहे दाऊद को मारना है सोचकर शैतान किसे उठाया जानते हैं आप परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किए गए को ही उभारा यह शाउल असली में कौन है जानते हैं घर का है किस घर का है उसी के घर का है शाउल दाऊद का क्या लगता है बताएंगे जानते हैं क्या बताएंगे ससुर है अपनी बेटी को दिया है ससुर है समझ में आ रहा है शैतान आपको घर के बाहर के लोगों से घायल करने की कोशिश करेगा घर के बाहर के लोगों से दुख देने की कोशिश करेगा अगर घर के बाहर के लोगों के द्वारा आपको दुख पहुंचाना उससे नहीं हो पाने से वो क्या करेगा जानते हैं घर के लोगों के द्वारा ही चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा दुख पहुंचाने की कोशिश करेगा आपको नरक दिखाएगा हो सकता है आप नौकरी में विजय हासिल कर रहे होंगे व्यापार में विजय हासिल कर रहे होंगे अपने काम धंधे में विजय हासिल कर रहे होंगे आत्मिक रूप से विजय हासिल कर रहे होंगे लेकिन घर आने के बाद सारी परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं आपका पति पूरी रीति से आपके विरोध में हो जाता है आपकी सास पूरी रीति से आपके विरोध में बोलती है आपकी बहू पूरी रीति से आपके विरोध में व्यवहार करती है आपके बच्चे पूरी रीति से आपकी आज्ञा ना माने आपका विरोध करते हैं या आपकी पत्नी नरक दिखाने वाली एक झगड़ालू के रूप में उग्र रूप दिखा सकती है घर आकर थोड़ा शांति से रहेंगे थोड़ा आराम से रहेंगे थोड़ा आराम से सोएंगे इस तरह जैसे ही आप सोचते हैं शैतान तैयार रहता है एक बार सोचिए दाऊद जाकर युद्ध किया प्रियो अपने जान की बाजी लगाकर शत्रुओं से युद्ध करके भला करके उन लोगों की रक्षा करके बचाकर पिता विजय दिए पिता इस तरह खुशी मनाया कि नहीं समाचार आ गया क्या दाऊद घर के बाहर के शत्रुओं से तुम विजय पाकर खुशी मना रहे हो ठीक है लेकिन अभी घर का शत्रु ही तुम्हारे विरोध में आ रहा है प्रियो आज इस वचन को सुनने वालों में ऐसी परिस्थिति में से कोई गुजर रहे हैं क्या घर के अंदर ही मेरा शत्रु है मेरे भाई ही मेरे शत्रु हैं। मेरा भाई ही मेरा शत्रु है मेरी बहन ही मेरी शत्रु है मेरा रिश्तेदार ही मेरा शत्रु बन गया है जिस पर भरोसा किया मेरा मित्र ही मेरा शत्रु बन गया मैं जिसके साथ रूममेट के रूप में रहता था वही मेरा शत्रु बन गया मेरा पार्टनर ही आज मेरा शत्रु बन गया मेरे साथ सेवा करने वाला ही आज मेरा शत्रु बन गया है मेरी कलिसिया में जो मेरा सहायक था वही मेरा शत्रु बन गया है शत्रु बन गई है आज मेरा शत्रु बाहर नहीं है मेरा शत्रु घर में है मेरी कलिसिया में है मेरे साथ है कृपया सुनिए यीशु मसीह को तीस चांदी के सिक्कों में कौन बेचा जानते हैं बाहर का नहीं था प्रियो बारह चेलों में से एक था यूसुफ को कुछ चांदी के सिक्कों में कौन बेचा था जानते हैं बाहर के लोग नहीं थे प्रियो उनके भाइयों में से एक यहूदा आज हमारे बीच कोई है क्या कोई है दाउद का ठट्टा उड़ाने वाले शत्रु नहीं थे दाउद का ठट्टा उड़ाने वाली स्वयं उसकी पत्नी थी घर में ही दाऊद का अपमान हुआ घर में ही दाउद का शत्रु बन गया शौल आत्मिक जीवन में घर के बाहर शत्रु आपको अधीन नहीं कर पाने से झुका नहीं पाने से क्या करता जानते हैं घर के अंदर आपको दुख देने की कोशिश करता है हानि पहुंचाने की कोशिश करता है अपमानित करने की कोशिश करता है डराने की कोशिश करता है नीचा करने की कोशिश करता है गिराने की कोशिश करता है कई बार आपको मार देने की कोशिश करता है कई बार इसे सह ना पाकर बहुत सी बहनें आत्महत्या कर लेती हैं बहुत से भाई आत्महत्या कर लेते हैं क्यों जानते हैं मेरे पति की यातनाओं को मैं सह नहीं पा रही हूं मेरी पत्नी के देने वाले दुख को सह नहीं पा रहा हूं मेरी सास के देने वाले दुख को सह नहीं पा रही हूं मेरी बहू जो दुख दे रही है उसे मैं सह नहीं पा रही हूं कई बार कुछ माता पिता कहते हैं बच्चे जो दुख दे रहे हैं उसे सह नहीं पा रहे हैं क्या कोई आज हमारे बीच ऐसी स्थिति में से गुजरने वाले घर में मुझे सुख नहीं है घर में मुझे शांति नहीं है तो क्या करना है दाऊद क्या किया दाऊद क्यों इतनी तेजी से दौड़ते हुए आ रहे हो क्या हुआ क्या बताऊं मैं? दाऊद खतरा छाया हुआ है कौन सा खतरा कहां से शाउल आ रहा है तुम्हारा ससुर आ रहा है तुम्हें मारने के लिए सेना को लेकर आ रहा है दाऊद क्या किया जानते हैं देखिए क्या किया दस और ग्यारवा वचन खतरे के विषय में प्रार्थना इससे पहले हमने क्या सीखा था संघर्ष में विजय के लिए प्रार्थना अभी किस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा छिपे हुए खतरे के विषय में प्रार्थना कर रहा है फिर से प्रार्थना ये बात अच्छा है ना फिर से प्रार्थना फिर से पाप नहीं प्रियो फिर से प्रार्थना दस वचनों तक अभी हमने देखा इसमें दाऊद तीन बार प्रार्थना किया राइट दसवा वचन तब दाऊद ने कहा हे इजराइल के परमेश्वर यहोवा क्या कहा आने दो उसे मैं देख लूंगा कहा क्या कहा क्या नहीं कहा प्रियो यदि दाऊद सोचता तो अगर चाहता तो शाउल को एक ही मार से मार सकता है लेकिन मारने के द्वारा या घात करने के द्वारा दाऊद शौल से जीतना है आशा नहीं किया पतियों आपकी पत्नी को मारने के द्वारा या आपकी पत्नी को तलाक देने के द्वारा या घायल करने के द्वारा जीतने की कोशिश ना करें बहनों हो सकता पति अच्छा ना हो बुरे पति को दुख पहुंचाने के द्वारा या सताने के द्वारा शाप देने के द्वारा या तुम तो मर जाओ तो अच्छा है तुम्हारा हाथ पैर टूट जाए तो अच्छा है किसी ट्रक के नीचे और क्या क्या बोलते हो पता नहीं आप ही जानते हैं तुम्हारा हाथ टूट जाए तुम्हारा पैर टूट जाए तुम जाके ट्रक के नीचे गिर जाओ पता नहीं कौन कौन से आशीर्वाद इस तरह आप जितना अधिक बोलेंगे वो उतना अधिक उत्तेजित होगा ये तरीका नहीं है शाप देना तरीका नहीं है डराना तरीका नहीं है देख लूंगा तुम्हें बिल्कुल नहीं फैसला कर दूंगा तुम्हारा नहीं दे दूंगा तलाक बिल्कुल नहीं तोड़ दूंगा हड्डियां बिल्कुल नहीं दाऊद के पास जब वो समाचार पहुंचा आने दो आने दो देख लूंगा उसको नहीं कहा अन्याय से दाऊद कोई गलती नहीं किया अन्याय के साथ जब शौल विरोध कर रहा था आने दो कब तक सहता रहूंगा जो भी होगा देख लूंगा बहुत बार घरों में यही कहते हैं पति कहता आज देख लूंगा आर या पार जो भी हो जाए या तो वो रहेगी बताइए या तो वो रहेगी या फिर मैं रहूंगा दोनों साथ में नहीं रह सकते बोलने को कहो तो बोलते रहेंगे या तो वो रहेगा या मैं रहूंगी देख लूंगी आज क्या देखोगे तुम शादी करने के बाद या तो वो रहना है नहीं होगा ऐसे दोनों को मिलके ही रहना होगा शादी हो गई तो शुरू हो गया समझो क्या शादी हो गई तो कहते हैं ना शादी आने बर्बादी शुरू इसलिए देख लूंगा ऐसे नहीं कह सकते फिर क्या है सहते जाना है जोर से बोलिए थोड़ा और जोर से समझ में आ गया दुख पहुंचाना नहीं हेलो, आपको कुछ अलग सुनाई दिया क्या दुख देना ही कुछ लोग सोचते हैं यही है शादी सताना ही बिल्कुल नहीं दाऊ जो होगा देखा जाएगा ऐसा नहीं कहा जब उसे मालूम चला कि शाउल हमला करने आ रहा है दाऊद क्या किया जानते हैं सीधे परमेश्वर के पास गया सीधे परमेश्वर के पास जाकर इसराइलियों के परमेश्वर यहोवा प्रार्थना किया ये सीखना है हमारे जीवन में प्रिय भाई और बहनों कलवरी आवाज को सुनने वालों घर के बाहर घर के अंदर परीक्षाएं आ सकती हैं हर एक जन को क्या करना है जानते हैं फिर से फिर से फिर से फिर से क्या करना है प्रार्थना करना है दाऊद क्या क्या है प्रभु ये अभी तो मैं युद्ध से आ रहा हूं अभी तो मैं फलिस्तियों के विरोध में युद्ध करके थक कर आया हूं फिर ये परिस्थिति क्या फिर से यह शत्रु मुझ पर आ रहा है फिर से इस व्यक्ति से लड़ाई क्यों आप कहा है प्रभु ऐसा हम कहते हैं कृपया ध्यान दीजिए आप अपने जीवन में एक सफलता पा लिए हैं तो उस सफलता को आप कब तक अनुभव करेंगे आपको बिल्कुल मालूम नहीं है हाय तीन साल तक नौकरी के लिए बहुत आशा किया नौकरी मिल गई काफी है ऐसे कहे समझो काफी है क्या ठीक है आ रहा हूं सो कभी भी हमने जो सफलता पाया है उसके कारण जो आशीष हमने पाया है या जो हमने सुख पाया है उन्नति किया है उन्हें देखकर सेटल होने की कोशिश ना करें प्रियोग सत्य को ना भूलें सफलता मिल गई है ना अब मेरे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा आर्थिक परेशानियां दूर हो गई ना अब कोई दुख नहीं होंगे स्वास्थ्य अच्छा हो गया ना अब दुख नहीं आएंगे जमीन खरीद लिया ना अब कोई कष्ट नहीं होगा भवन बना लिया ना अब कोई कष्ट नहीं होगा प्रमोशन मिल गया ना अब कोई दुख की बात नहीं है एग्जाम में पास हो गया ना अब कोई टेंशन नहीं है कभी मत सोचिए इस संसार की यात्रा समाप्त होने तक किसी ना किसी रूप में शैतान हमारे ऊपर हमला करता ही करता रहेगा लेकिन यदि हम परमेश्वर के साथ संगति में रहेंगे तो हमें क्या करना है जानते हैं निर्भय होकर फिर से परमेश्वर के पास जाना है प्रियो दाऊद कुड़कुड़ाया नहीं और गुस्सा भी नहीं हुआ सीधे परमेश्वर के पास गया परमेश्वर यह क्या शॉल मुझे मार देगा मार देगा क्या क्या कर रहा है परमेश्वर से पूछ रहा है उसे नहीं मालूम था शौल आ रहा है लेकिन खतरा सामने है इस तरह खतरा सामने है तो देखिए दाऊद क्या कर रहा है क्या किला के लोग मुझे उसके वश में कर देंगे क्या जैसे तेरे दास ने सुना है वैसे ही शौल आएगा हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा अपने दास को यह बता यहोवा ने कहा हां वह आएगा फिर दाऊद ने पूछा क्या किला के लोग मुझे और मेरे जनों को शौल के वश में कर देंगे यहोवा ने कहा हां वे कर देंगे हां वह आएगा यहोवा ने क्या कहा फिर दाऊद ने पूछा हा वह ना आए मैं उससे रोकूंगा ऐसे परमेश्वर ने नहीं कहा हा वह आएगा उसका अर्थ क्या है यस शौल आएगा निश्चय आएगा अर्थ क्या है कष्ट आएंगे दुख आएगा उसके बाद ठीक है शौल आएगा हाँ आएगा फिर दाऊद ने पूछा क्या किला के लोग मुझे और मेरे जनों को शाउल के वश में कर देंगे यहोवा ने कहा हां वे कर देंगे तब दाऊद और उसके जन जो कोई छह सौ थे किला से निकल गए और इधर उधर जहां कहीं जा सके वहां गए और जब शाउल को यह बताया गया कि दाऊद किला से निकल भागा है तब उसने वहां जाने का विचार छोड़ दिया वह वहां जाने का विचार छोड़ दिया प्रियो दाऊद परमेश्वर के पास आकर पूछ रहा है मैं यहां हूं ना जिनके लिए मैं सहारा बनकर सहायता किया जब उनके जान पर बन गई थी क्या वे मुझे उसके वश में करेंगे तब परमेश्वर ने कहा शौल निश्चय आएगा शाउल आएगा क्या ये लोग मुझे उसके वश में करेंगे हाँ करेंगे तो फिर अभी बताओ मैं क्या करूं बच कर भाग जाओ प्रियो ध्यान दीजिए परमेश्वर दाऊद को वो जिस खतरे में है उस विषय में प्रकट कर रहा है और उसी समय दाऊद खतरे से बचने के लिए उसके पास दो मार्ग हैं एक है शौल ना आए उसे रोकना या यदि शौल आएगा तो दाऊद पकड़ा ना जाए भाग जाए सो परमेश्वर कह रहे हैं तू पकड़ा ना जा भाग जा तब दाऊद ने क्या किया वहां से शौल के हाथ में ना आए अपने लोगों के साथ भाग गया अगर दाऊद प्रार्थना नहीं किया होता तो शौल आ गया होता दाऊद पकड़ लिया जाता दाऊद की की गई प्रार्थना दाऊद के बच जाने के लिए मार्ग को दिखाया प्रिय भाइयों और बहनों हमारे जीवन में हमारे जाने बिना बहुत से खतरे छिपे रहते हैं उन खतरों में से यदि हमें बचना है तो हमें क्या करना है बताइए प्रार्थना कष्टों को ना आने दीजिए प्रभु आएंगे क्या कहेंगे आएंगे तो बताइए मैं क्या करूं बच के भागो कष्ट निश्चय आएंगे प्रभु परीक्षाओं को मत आने दीजिए परीक्षाएं आएंगी तो बच जाओ परीक्षाएं आएंगी उससे बचो जीवन में कष्ट आएंगे उनसे बचो शत्रु रहेंगे बच जाओ एक समय में परमेश्वर ने क्या कहा विजय हासिल करो जाओ दूसरे समय में क्या कह रहे हैं बच जाओ चुपचाप अपने रास्ते चलो सो परमेश्वर जो हमें उत्तर देता है उसमें कई बार सीधे विजय हासिल करने के लिए परमेश्वर आपको सामर्थ्य देंगे या फिर उस खतरे से बचने के लिए परमेश्वर आपको मार्ग दिखाएंगे आज हमारे बीच कोई है क्या जो खतरों से गुजर रहे हूं खतरों के बिल्कुल निकट से गुजर रहे हों, आपके जाने बिना ही आपके विरोध में शैतान हो सकता है शैतान के लोग हो सकते हैं षडयंत्र रच सकते हैं तो क्या करना है प्रार्थना करना है प्रार्थना करने से क्या होगा शत्रु चाहे जितनी तेजी से भी हमला करने की कोशिश करे शत्रु के हाथ में आप ना पड़ो परमेश्वर आपको बचाएंगे ये है प्रार्थना का उत्तर दाऊद फिर से जाकर प्रार्थना करने से शत्रु आ गया वहां रहने से किला नगर के लोग दाऊद को निश्चय उसके वश में कर देते लेकिन प्रार्थना करने के कारण क्या हुआ जानते हैं परमेश्वर दाऊद को बचा लिया प्रिय भाइयों और बहनों प्रार्थना करें खतरों से बचने के लिए प्रार्थना कीजिए शैतान के साजिशों से बचने के लिए प्रार्थना कीजिए कैसे कैसे फिर से फिर से दाऊद फिर से फिर से प्रार्थना किया इन ग्यारह वचनों में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो दाऊद चार बार प्रार्थना किया बार बार प्रार्थना किया प्रियो आज हम कैसे लोग होकर रहेंगे बार बार पाप करने वालों के समान रहेंगे या बार बार प्रार्थना करने वालों के समान रहेंगे कैसे रहेंगे निर्णय लेंगे आइए फिर से या बार बार प्रार्थना करने का अनुग्रह परमेश्वर हम सबको दे विजय को हम हासिल कर सकें और खतरे से हम बच सकें प्रार्थना करेंगे क्या आइए प्रार्थना करें पिता बार बार पाप करने वाले आदत से मुझे छुड़ाइए हमें छुड़ाइए छुड़ाइए पिता छुड़ाइए पिता बार बार गलती करने वाला जीवन हमें नहीं चाहिए नहीं चाहिए पिता बार बार प्रार्थना करने का मन हमें दीजिए बार बार आपसे मिल सके ऐसा मन हमें दीजिए बार बार आपकी उपस्थिति में हम आ सके ऐसा मन हमें दीजिए संघर्ष में हम विजय पा सकें प्रार्थना करने का मन हमें दीजिए शत्रु से जयवंत हो सके अनुग्रह कीजिए निर्भय होकर आपकी आराधना कर सके आपके संतान होकर जी सके अनुग्रह और तरस हम पर कीजिए पिता आपके अनुग्रह में हमें छिपा लीजिए पिता आपके पंखों की आड़ में हमें सुरक्षित रखिए यीशु के नाम से मांगते हैं पिता आमीन प्रिय मित्रों यदि आप इस संदेश के द्वारा सच में आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए बहुत से लोगों को शेयर कीजिए और साथ ही साथ एक कमेंट के द्वारा अपने राय को दीजिए मैं चाहता हूं फिर मिलेंगे तब तक के लिए शलोम